हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कुछ भी सीखे चैनल पर। मेरा नाम है सूरज और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। दोस्तों, इससे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है थ्योरेटिकल पार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि इस थ्योरेटिकल पार्ट में आपका काफ़ी ज़्यादा कवर कर दूँ, आपको ठीक तरीके से समझा सकूँ, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट थ्योरेटिकल से आपको इतना समझ नहीं आएगा जितना जो है प्रैक्टिकल से समझ आएगा। तो इसका जब मैं प्रैक्टिकल का वीडियो लेकर आऊँगा तो उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिकल क्या है, शुरू करते हैं। फिर देखिए, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो है इसके बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो इसमें आपका क्या है ऑब्जेक्ट में यू, तो पहले तो आपको क्या आता है कि किसी भी प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले आपको एम लिखना होता है कि आप उसमें क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ एम लिखते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट लिखते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टू स्टडी द हाफ वेव रेक्टिफायर विद एंड विदाउट फिल्टर। तो हम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर को स्टडी करेंगे विद और विदाउट फिल्टर। तो क्या इंपैक्ट पड़ता है विद और विदाउट फिल्टर का यूज़ करने पर हाफ वेव रेक्टिफायर। हम जैसे वैसे जानते हैं कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी को, एसी अगर हमारे पास करंट सोर्स है और हमें डीसी में चाहिए उसे, तो उसके लिए हम जो है रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। हाफ आता है और फुल वेव रेक्टिफायर आता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कितना हेल्प करता है, फुल वेव रेक्टिफायर कितना हेल्प करता है, तो आज वैसे मैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम उसमें देखेंगे इस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी से डीसी से हम जब हम चेंज करते हैं, एसी से एसी करंट सोर्स को डीसी में जब हम चेंज करते हैं, तो जब हम फिल्टर लगाते हैं और जब हम फिल्टर नहीं लगाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उससे पता लगेगा आपको। ठीक है, और एपरेटस, देन उसके बाद सेकेंड आपका आता है एपरेटस रिक्वायर्ड। तो एपरेटस में आपको क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल बोर्ड, नॉर्मली आपको एक्सपेरिमेंटल बोर्ड दिया जाता है, बना बनाया रहता है। ठीक है, और वायर्स चाहिए होती है, देन जो भी आपको करंट सोर्स चाहिए होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, वैसे मेनली आपका एक्सपेरिमेंटल बोर्ड, वायर्स चाहिए होती है और करंट सोर्स है। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है सेकेंड की फार्मूला यूज। तो कौन सा फार्मूला इसमें यूज़ किया जा रहा है, आइए देखते हैं। पहला तो आपका यूज़ किया जा रहा है परसेंटेज वोल्टेज, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय परसेंटेज ऑफ वी आई इज इक्वल टू होता है वी ओ माइनस वी ए, वी आउटपुट माइनस वी लोड अपॉन वी लोड इनटू 100% इनटू 100। तो ये आपका जो है वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला को निकालने का फार्मूला इस तरीके से है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, वी आउटपुट हम जो है उसमें निकालेंगे, टेबल में देखेंगे अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपके पास कोई वैल्यू होगी। तो VL की वैल्यू भी निकालेंगे, VO की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक बात, आगे हम देखते हैं IRMS। तो या आपका IRMS कैसे निकालेंगे, VRMS अपॉन RL होता है, तो RL आपको कहाँ से मिल जाएगा, V आपका यहाँ से मिल गया। ठीक है, IRMS VRMS आपको मिल जाएगा, RL आपको मिल जाएगा, देखेंगे हम, क्योंकि जब ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे हम उसे निकालना होगा, तो ये सब हमें वहीं पे पता चलेंगे। ठीक है, तो बाकी आपने इसको आपको याद रखना है कि IRMS निकालने का फॉर्मूला आपका क्या है कि VRMS अपॉन RL। ठीक बात, आगे ठीक है, आगे पूरा समझ आएगा। ठीक, अब थर्ड आपका आता है IDC, आपको निकालना होगा। इन सब की क्या जरूरत होगी, अब हम आगे देखेंगे। IDC क्या है, कैन बी कैलकुलेटेड एज कैसे 2/5 VRMS अपॉन RL 0.636 VRMS अपॉन RL होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपको कैसे निकालेगा, उसे बोलते हैं गामा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैन बी कैलकुलेटेड एज गामा इक्वल टू द रूट IRMS अपॉन IDC का स्क्वायर माइनस 1। ठीक बात, आगे चलते हैं। और ये आपका आधा है परसेंटेज ऑफ आर, ये आपका रेट निकालने का होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आप जो है रेट का मतलब जानते हैं, रेट का मतलब ये हो गया कि कितना एसी डीसी में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू कितना एसी डीसी में चेंज हो रहा है, तो ये उसका रेट निकलता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू हमें कितना डीसी मिल जाता है। ठीक बात, और हम ये उसमें भी देखेंगे कि जब हम विद फिल्टर, जब हम फिल्टर यूज़ करते हैं तब उसमें रेट कितना मिल रहा है, कितना एसी डीसी में चेंज हो रहा है, और जब हम विदाउट फिल्टर कर रहे हैं तब हमारा कितना एसी डीसी में चेंज हो रहा है, कितना एसी सोर्स, एसी करंट सोर्स, डीसी करंट सोर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो आगे आता है, आगे आपका जो है ये है, ये आपको जो है डिज़ाइन है। ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डिज़ाइन है, ये आपका जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये आपका आई है, ये आपका डायोड है। ठीक है, सिंपल डायोड है, और ये वी आउटपुट लोड VL आप यहीं से निकालेंगे RL की वैल्यू। एक्चुअली ये सभी आपको जो है अभी तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ कि, लेकिन थ्योरेटिकल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना वैसा जैसे आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा आपको तो ये पूरा आपको कंक्लूजन ही पता लग जाएगा कि इसके पीछे का मतलब कहाँ से क्या है। तो ये आप ऐसे समझिए कि आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका वैसे मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल में ही देखेंगे इसको। ठीक बात, तो ये ऊपर वाला जो था आपका क्या था, करंट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। तो इसमें हमने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, विदाउट फिल्टर का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। देन सेकेंड आपका क्या आता है, सेकेंड आपका आता है
या पहला आपका क्या है विदाउट फिल्टर, तो ये क्या है विद फिल्टर। विद फिल्टर में हमने क्या करा है, कैपेसिटर यूज़ किया है, ठीक बात। तो इसमें ये स्टेप ट्रांसफार्मर, ये सिंपल डायोड है, आर एल लग रखा है, तो इसमें यहाँ पे वी आउटपुट यहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एल भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक बात। जब हमने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है सी वन और एल, ठीक बात, सी वन सी टू, सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विद पाई फिल्टर। पाई फिल्टर हमने यूज़ किया है जब सी वन सी टू आ गया पाई, ठीक बात, और एल बीच में आ जाता है, तो उसको हम पाई फिल्टर कहते हैं, ठीक बात। आगे चलते हैं, आगे आपको आता है ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल में आपका क्या आएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट फिल्टर। तो पहले हम कर रहे हैं विदाउट फिल्टर के लिए, जब हम फिल्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या आएगा, यहाँ से सीरियल नंबर ऑब्जर्वेशन हम टेबल, पहले आप अगर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको रफ नोटबुक पर आपको टेबल बना लेनी होगी, ये जरूरी है, ठीक बात। तो सीरियल नंबर होता है 1, 2, 3 और वैल्यू ऑफ आर एल आपकी क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ आर एल तो वो किलो में आएगी आपकी इतनी, ठीक है। और ये जो आर एल है ना, आर एल आपका एक्सपेरिमेंटल बोर्ड पर ऑलरेडी लिखाया रहता है, तो आप वहाँ से इसे लिख सकते हैं, ठीक बात। पहला आपका इतना, दूसरा इतना, देन थर्ड इतना, ठीक। वी आर एम एस वैल्यू आउटपुट आपका जो है निकालनी होती है, तो अगर आप जो है इन सभी के लिए करते हैं तो आपको एक ही वी आर एम एस वैल्यू मिलती है। देखेंगे इसे प्रैक्टिकल में, जब मैं प्रैक्टिकल का वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक बात। आई आर एम एस अगर हम देखते हैं तो आई आर एम एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब वी आर एम एस आपका मिल गया, आर एल मिल गया, तो आर एम एस आप निकाल सकते हैं। आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर एल, ठीक बात, उसे निकल जाएगा। आई डी सी, आई डी सी के लिए अलग से फार्मूला था 2/π समथिंग समथिंग, तो वो जो मैंने पहले फार्मूले आपको बताए थे, तो उन्हीं फार्मूले का यूज़ करके आप इसे निकालेंगे, ठीक है ना। और वी ओ, वी ओ के लिए आपके लिए क्या होगा, वी ओ तो हम यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा ये सबके लिए सेम रहेगा। अब ये कैसे सेम रहेगा, अब मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तो बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंटल बोर्ड भी नहीं देखा है, कैसे उस पर प्रैक्टिकल करना है ये सब तो आपको पता नहीं है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल का वीडियो में ही इसको बताऊंगा वी ओ क्या है, ठीक है। बाकी आप समझ लीजिए क्या है वी ओ, ये आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, और ये लोड वोल्टेज होता है, ठीक है, जब हम एक्सपेरिमेंट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये लोड वोल्टेज हो गया, ये रिजल्ट ऑफ परसेंट वी आर, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का एक फार्मूला मैंने पीछे बताया था, वी ओ माइनस क्या था, वी एल, वी एल था अपॉन वी एल था और इंटू क्या था 100। तो आपको ये सारे फार्मूले याद रखने हैं, इन सभी को यूज़ करके आप इन सभी के रिजल्ट निकाल पाओगे इन सभी को, ठीक है। देखेंगे हम इन सभी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और गामा फैक्टर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, गामा फैक्टर का भी फार्मूला बताया था। और देन उसके बाद आता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर विद पाई फिल्टर, ये तो था आपका विदाउट फिल्टर वाला, और ये आपका पाई फिल्टर जब हम फिल्टर यूज़ करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ। तो ये आपका आता है सीरियल नंबर ऐसे ही करना है, आर एल आपका वैसे आ गया, वी आर एम एस, आई आर एम एस, आई डी सी, वी ओ, बस ये रिपल फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें वी आर पी पी, वी आर पी माइनस पी और वी आर पी माइनस पी, आप इसे घटा मत दीजिए काम, ठीक है ना, वी आर पी माइनस पी, तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हम इसे देखेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बोर्ड पे ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि वी आर पी माइनस पी कैसे निकालेंगे, ये क्या क्या है, तो ये सभी कुछ आपको वहीं पे पता चलेगा, ठीक है। सी वन पर निकालते हैं, तो ये सभी आप समझ के रखें कि रिपल फैक्टर बस निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, इन सभी के वैल्यू मैं आपको निकालना बताऊंगा वहाँ पर कैसे निकालनी है, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ परसेंटेज वोल्टेज, यानी कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, परसेंटेज ऑफ रेट, तो यहाँ पर मैंने बताया था पहले आपको कि परसेंटेज ऑफ रेट यानी कितना एसी डीसी में चेंज हो रहा है, तो ये आपका वहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, जब हम पाई फिल्टर यूज़ कर रहे हैं तो कितना रेट हो रहा है, मतलब कितना जो एसी करंट सोर्स है डीसी में चेंज हो रहा है, ये उसका रेट बता रहा है। ये गामा फैक्टर आप यहाँ से निकालेंगे, इसका फार्मूला है, ठीक है। नॉर्मली इसमें तो कैलकुलेशन ही आ रही है, बट लेकिन मैं थ्योरिकल में थोड़ा बहुत इसलिए समझा के चला ताकि आप प्रैक्टिकल जो है आसानी से समझ सकें, बहुत जल्दी समझ आएगा। बाकी फिर जब आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कंप्लीट, तो आपको रिजल्ट लिखना है कि आपका परसेंटेज, जब आपने विदाउट फिल्टर यूज़ किया हाफ वेव रेक्टिफायर को, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया, गामा फैक्टर कितना आया, ठीक बात। और यहाँ पर आपका आता है, फिर आपने जो है विदाउट फिल्टर यूज़ किया, यहाँ पर आपने क्या किया था, सॉरी देखिए दो बार लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका विदाउट फिल्टर है, और ये आपका क्या है विद फिल्टर, ठीक, विद फिल्टर है आपका। तो विद फिल्टर में आपका वी आर एम एस, सॉरी ये उसी का है, ठीक है ना, ये विदाउट फिल्टर का, ये विदाउट फिल्टर में तो आपने वी आर एम एस निकाला था ना, वी आर एम एस, आई आर एम एस निकाला, तो ये विदाउट फिल्टर का ही कैलकुलेशन है, आगे की है कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही बहुत बढ़िया है, वी ओ आपका कैसे निकलेगा, वी ओ सब में सेम है, ठीक है। तो ये सभी कैलकुलेशन मैंने ऐसी कर दी है, काफ़ी जनों को जो है अच्छे तरीके से समझ भी आ जाता है इसके बारे में, ठीक है, और काफ़ी दिक्कत भी नहीं होता है। काफ़ी लोग बच्चे जो है कमेंट करके कहते रहते हैं, सर क्या बोलते हैं कि हमें इस तरह के प्रैक्टिकल्स, ये जो प्रैक्टिकल आपने बताए हैं वो ठीक से जो है आप उसका पीडीएफ बना के दे दीजिए।
तो पीडीएफ से मिल जाएगा, लेकिन उस पीडीएफ में मैंने कर क्या रखा है ये सभी आपको नहीं पता चलेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसमें कि मैंने कहा क्या क्या कर रखा है। ठीक है, कैलकुलेशन विद फिल्टर की कैलकुलेशन, अब उसमें हम वीआरपी माइनस पी एट सी टू आपका कैपेसिटर है कैसे निकालेंगे ये सभी आपको एक्सपेरिमेंटल बोर्ड पर बताऊंगा मैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वीआर तो ये उसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि सारा कुछ जो है आपका देखिए इस सब के बारे में मैं आपको बता दूंगा, अगर एक बार आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझ लेते हैं तो आप इसको समझना आसान हो जाएगा। मैं वहीं पर बता दूंगा कि ये सब होते क्या है, तो आप यहाँ पे आके आसानी से उसे बस वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक बात, आगे चलते हैं विद पाई फिल्टर। तो अब आप रिजल्ट लिखेंगे विद पाई फिल्टर के साथ, पहले आपने क्या लिखा था विद विदाउट फिल्टर के साथ रिजल्ट लिखा था कि वोल्टेज रेगुलेशन कितना आया, गामा कितना आया और रेट जो है उसका कितना है। मैंने पहले बताया था रेट क्या बताता है कि कितना एसी डीसी में चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे विदाउट फिल्टर हमने यूज़ किया तो कितना है। आप देख सकते हैं पहले क्या आया था हमारे पास, जब हमने क्या करा था विदाउट फिल्टर यूज़ किया था तो विदाउट फिल्टर में हमारे रेट कितना आया था, तो कहाँ है यहाँ पर रेट, हाँ देखिए रेट कितना था 2.16 था जब हमने क्या किया था, ये क्या है हमारे पास विद पाई फिल्टर, जब हमने पाई फिल्टर यूज़ किया तो उस समय हमारे पास कितना एसी डीसी में चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग जो तीन के अकॉर्डिंग हमारे पास रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आई। ठीक है ना, और यहाँ पर हमने देखा कि कितना चेंज हुआ यहाँ पर तो रेट है ही नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है रेट में तो चेंज आएगा ही। ठीक है, तो इसमें तो वैसे भी यूज़ नहीं कर रखा है, तो हम इसका कंपेयर आप फुल वेव रेक्टिफायर से करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। ठीक है, इतना तो बस समझ आया होगा आशा करता हूँ, और फिर देन उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर्स आपको लिखने होते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, तो ये तो मैंने खुद बनाए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कनेक्शन शुड बी प्रॉपर एंड टाइट, जो कनेक्शन आप कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए, और स्विच ऑन द पावर आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट, यानी कि आप स्विच ऑफ कर दिया कंप्लीट होने के बाद, तो इससे जो उसके अंदर के जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं तो वो ज़्यादा गर्म होने से बच जाते हैं, तो ख़राब होने से जो है बच जाते हैं। बाकी एक्सपेरिमेंटल बोर्ड को आप स्टार्ट करने से पहले, जैसे आप प्रैक्टिकल स्टार्ट करें तो आप एक्सपेरिमेंटल बोर्ड को जो अपडेट है उसको ठीक तरीके से चेक कर लें कि वो सही है या नहीं। काफ़ी सारे प्रिकॉशन सोर्स ऑफ एरर्स हो सकते हैं, आप कितने भी लिख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट 5 लिख दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो आज एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या हमने किया, रिकॉल कर लेते हैं। पहले तो हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट इसका एम क्या होगा, देन सेकंड हमने उसका पढ़ा कि एपरेटस कौन कौन से यूज होंगे, देन थर्ड हमने पढ़ा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, देन उसके बाद हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन में क्या क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने देखा क्या क्या निकालना है, फिर देन जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में देखा तो उसके अकॉर्डिंग फिर जो निकल गया फिर हमने कैलकुलेट किया है उसे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या देखा रिजल्ट में क्या लिखना है, देन उसके बाद प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो बाकी बचा पार्ट, जितना भी पार्ट में इसमें आपको समझा पाया तो वही ठीक है, बट बाकी मैं आपको पूरा 100% कवर करने की कोशिश करूँगा कि आपको जो है प्रैक्टिकल में अच्छे तरीके से समझा दूँ। ठीक है, बाकी दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी देखते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर जो स्टूडेंट्स नए हैं वो और इस तरह का वीडियोस जो है चाहते हैं तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।